हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी, जो कि सबकी ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है और ये घर पे बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ले ली है, तो हमें बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 स्ट्रॉबेरी ली हैं और फिर इनको अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। और इसके ऊपर जो डंठल वगैरह होता है ना, ये इसको हटा देंगे पत्तियों को, और फिर हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे अच्छे से साफ करने के बाद। हमने सारी स्ट्रॉबेरी को अच्छे से धुल लिया है और प्लेट में रख लिया है। अब इनको हम दो भागों में कट कर लेंगे, दो से तीन भागों में आप ऐसे आराम से कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, फिर ये अब हमारी स्ट्रॉबेरी कट हो चुकी हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक जार में डालेंगे, जूसर में डालेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप चीनी ली हुई है, और इसको ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। तो 4 से 5 आइस क्यूब्स ऐड करने हैं। ये बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आइस क्यूब्स डालने से ये जो स्ट्रॉबेरी का फ्रेश फ्रेश सा टेस्ट आता है बिल्कुल, तो इसे ज़रूर से ज़रूर आप ऐड करिएगा। तो पहले हम इसका ऐसे क्रस्ट बना लेंगे, और फिर ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के थोड़ा सा निकाल लेंगे, 2 से 3 चम्मच निकाल लेंगे। इससे हम आप बाद में देखिएगा कि क्या करेंगे इसका हम। फिर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है मलाई, तो 1 बड़ा चम्मच मलाई ऐड किया हुआ है, और ठंडा दूध, बिल्कुल ठंडा दूध का यूज करना है हमें। 1 ग्लास दूध ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम ऐड की हुई है, तो थोड़ी आइसक्रीम थी मेरे पास, तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या वनीला फ्लेवर हो तो वो ऐड करिएगा, और अगर नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी का ही इतना अच्छा टेस्ट आता है कि कोई ज़रूरत नहीं। बस आप आइस क्यूब्स डालना मत भूलिएगा। तो ये अच्छे से हमने फिर से चला लिया है, और हमारा शेक रेडी है। तो अब चलते हैं हम इसको सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो पहले ये निकाला हुआ था ना, तो क्या करना है, हम इसको ग्लास को अच्छे से इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे हम इसको ग्लास के चारों तरफ ऐसे चम्मच से लगा देंगे। पहले मैंने 1 ग्लास में लगाया, उसी तरीके से 2 ग्लास में लगा देंगे। तो इसका ये ऐसे करने से देखने में भी अच्छा लगता है। आप किसी को देते हैं, फिर खुद के लिए बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये करने के बाद फिर हमें क्या करना है, शेक को इसी में ग्लास में ऐड कर लेना है। तो बिल्कुल पिंक पिंक सा बना हुआ है ना, तो मैंने इसे वैलेंटाइन पे बनाया हुआ था, तो आप भी किसी खास अवसर पे इसे बना सकते हैं और पी सकते हैं। फिर क्या करना है, ये हमने स्ट्रॉबेरी पहले निकाल ली थी थोड़ी, और इनको बीच से ऐसे कट कर लेना है और ऐसे ग्लास में लगा देना है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और पीने में तो अच्छा लगेगा ही। जब कोई किसी भी चीज़ की साइज भी प्लेटिंग हो जाती है, फिर कोई भी जूस वगैरह ऐसे अच्छे से मिलता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो देखने में तो अच्छा ही लगता है और पीने में तो मज़ा ही आ जाता है। और या फिर आप किसी गेस्ट वगैरह को देते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। आपके घर कोई आए तो ऐसे बना के दीजिए, या फिर आप किसी को भी स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो बनाइए और पीजिए। मैं तो चली पीने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।